योगी आदित्यनाथ जी नए भारत का दर्शन हो रहा है और उस नए भारत का प्रतिबिंब मुझे यहां नौजवानों में दिख रहा है, वह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मित्रों, ये खेल महाकुंभ जिसकी शुरुआत 3 साल पहले हरीश द्विवेदी जी ने की, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए सलाह पर स्थान स्थान पर खेल महाकुंभ हो रहा है और मुझे जानकर खुशी है कि 1 लाख विद्यार्थियों के और 50,000 खिलाड़ियों के क्रम से प्रारंभ करते हुए आज 3.5 लाख खिलाड़ी और लगभग 4.5 लाख विद्यार्थी इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, देश को चलाने के लिए नेतृत्व और नीति और नियम और कार्यक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम खेल की बात कर रहे हैं। मैं यहां के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि 70 साल में एशियन गेम्स में कभी भी पहले इतने मेडल नहीं आए जो मेडल पिछले एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल आए? इस बात को हमको समझना था। क्या कारण था कि टोक्यो के ओलंपिक्स के पहले भारत कभी भी ओलंपिक्स में इतनी बड़ी संख्या में मेडल नहीं ले सका? वह लेने का सौभाग्य भारत को, आजाद भारत को मिला तो वो टोक्यो ओलंपिक्स में मिला और मोदी जी के नेतृत्व में मिला। इसका कारण है कि मोदी जी ने भारत को इंडिया के दायरे से निकालकर भारत के दायरे में पहुंचा दिया है। इस बात को समझना चाहिए। जब मैं इंडिया कहता हूं तो खिलाड़ी कहां से आते थे? खिलाड़ी मुंबई से आते थे, खिलाड़ी बंगलोर से आते थे, खिलाड़ी दिल्ली से आते थे, खिलाड़ी बड़े बड़े शहरों से, क्लबों के माध्यम से जिन लोगों ने अपने आप को विकसित किया था वो खिलाड़ी आते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद आज खेल जगत में खिलाड़ी अब सिर्फ बड़े शहरों से नहीं आते, गांव गरीब कस्बे से निकलने वाला एक नौजवान खिलाड़ी बनता है और ओलंपिक्स में पहुंचता है। ये परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। यह नीति का परिवर्तन, यह नेतृत्व की क्षमता और यह है नियत का प्रदर्शन और यह है कार्यक्रमों का विश्लेषण जिसके कारण से यह कार्य होता है। आपको जानकर खुशी होगी, खेल में 2014 में सिर्फ 1219 करोड़ रुपए का बजट था, आज खेल में 3397 करोड़ रुपए का बजट है। 2014 से पहले कोई ओलंपिक पोडियम स्कीम नहीं थी, अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बनी है, यानी लक्ष्य रख करके ओलंपिक में हम गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे, ये टारगेट लेकर के एक कार्यक्रम बना और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और उसमें आपको मालूम है कि आज हमारे खिलाड़ियों की, यहां खड़े हुए हमारे जो नौजवान हैं, आज भारत की नीति के कारण अब इनकी फॉरेन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, विदेश में भी जाकर के इनकी ट्रेनिंग हो इसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो दुनिया के वर्ल्ड स्टैंडर्ड के खेलों के उपकरण है वह भारत आज खिलाड़ियों को मुहैया करा रहा है। इसके साथ साथ प्रति महीने
खिलाड़ियों को स्टाइपेंड के रूप में भारत सरकार 50,000 रुपए प्रति महीना दे रही है जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे टैलेंटेड 8,000 स्पोर्ट्स पर्सन का चयन किया गया है जिनको हम ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें 5,000 नौजवान भाई हैं और 3,000 हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, जिन 8,000 को भारत सरकार ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग दे रही है। और इसके लिए 34 स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन्स, उनकी ट्रेनिंग के लिए कोच और डिसिप्लिन सेंटर्स बने हैं। आपको पता चला होगा, आपके लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि इस खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 2,500 खिलाड़ी खेलो इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं और उनके लिए 820 हम लोगों ने स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए हैं और उत्तर प्रदेश में भी 80 स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए गए। जो 80 स्पोर्ट्स सेंटर हैं वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा, हमारे खेल मंत्री हैं बैठे हुए, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने तय किया है कि हर पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर खेल का मैदान होगा और ओपन जिम होगा और अब इंडिया का बच्चा नहीं जाएगा, भारत का बच्चा जाएगा, भारत के गांव का बच्चा जाएगा। ये व्यवस्था की गई है ताकि हम अच्छी से अच्छी कंपटीशन में अपना योगदान कर सकें। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि चाहे टोक्यो ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, सबसे ज्यादा मेडल पहली बार भारत लेकर के आया है। ये मोदी जी के नेतृत्व, उनकी नीति, उनका नियत और उनके कार्यक्रम के कारण मिल सका है, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर पूरी ताकत से उसको लागू करने का काम किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, भारत आज सभी मामलों में नंबर एक पर चल रहा है, चाहे स्किल इंडिया की बात हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, कोई भी स्कीम आप उठा करके देखिएगा, वो भारत को मजबूती प्रदान करने वाला है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित भाई, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारे किसान, इनको किसी ने भी ताकत देने का काम किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको हमको ध्यान में रखना है और इसलिए आज भारत मजबूत होकर के आगे बढ़ रहा है। अभी अभी योगी जी ने चर्चा की, भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके जिस देश ने हमको 200 साल राज किया, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, इंग्लैंड, उसको पछाड़ करके अब भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और आप लोग के आशीर्वाद से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसकी तैयारी। बोलिए, आप इसमें अपना योगदान करेंगे ना? बोलिए, करेंगे ना? तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है ना? प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? मित्रों, यह देश को आगे बढ़ाने का तरीका, देश को मजबूत बनाने का तरीका, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, सबको साथ लेकर के चलने का विषय है। कल मेरे से रात को एक पत्रकार ने पूछा कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। मैंने पत्रकार को कहा कि रात के 11:30 बज गए हैं, कोई
गड़बड़ तो नहीं हुई है आपके सोच में? कौन कहता है कि गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है? अरे आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। ये आज बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आज ये बोलता है कि भारत में अति गरीबी 0.1% से भी नीचे आ गई है, 0.1% से भी नीचे आ गई है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है। आज भारत इस्पात में, स्टील में 4th नंबर का एक्सपोर्टर था, आज 2nd नंबर का स्टील मैन्युफैक्चरर बन गया है। आज भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पछाड़ कर 3rd नंबर की मार्केट बन गई है, 3rd नंबर की मार्केट। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये कांग्रेसी भाई, इनको ना समझ है ना अंडरस्टैंडिंग है। धनतेरस के दिन 55 लाख गाड़ियां खरीदी गई हैं, ये भारत का रिकॉर्ड है। आपको जानकर के खुशी होगी कि लाखों में लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदी है, ये बदलता भारत है। आप बताइए, आज आपको उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? एक्सप्रेस हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी सड़कें दिखती है कि नहीं दिखती है? आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको बस्ती का मेडिकल कॉलेज दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको देवरिया का मेडिकल कॉलेज दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको सिद्धार्थनगर का मेडिकल कॉलेज दिखता है कि नहीं दिखता है? मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने पिछले 5 साल में 27 मेडिकल कॉलेज और 20 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उत्तर प्रदेश को दिया है। ये विकास की नई कहानी है। इसलिए मित्रों, मैं कहानी सुनाने लगूंगा आपको तो उसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। आप बताइए, 138% भारत की दवाई का एक्सपोर्ट बढ़ गया, 138%। दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है, सबसे सस्ती और सबसे कारगर दवाई अब भारत बना रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में हम 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, 106% बढ़ गया। ये देश की बदलती हुई तस्वीर है। आज भारत अब विदेशों से डिफेंस के सामान नहीं मंगवा रहा, आज भारत खुद अपना प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे तेजस हो, चाहे हमारे इंडिजिनस हमारे इक्विपमेंट्स हो, उपकरण हो, डिफेंस के उपकरण हो, ये सारे के सारे भारत में लिए जा रहे हैं। मैं यहाँ पुलिस भाई बड़ी संख्या में भी उपस्थित हैं, उनको बताना चाहूंगा कि 2014 में यहाँ आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं था। बुलेट प्रूफ जैकेट, ये भारत की तस्वीर थी। और 3 साल के अंदर मोदी जी ने यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है, ये भारत खड़ा है। ऐसे में कितने उदाहरण दे सकता हूं सुरक्षा के मामले में। आप बताओ, हवाई जहाज का बेड़ा ही नहीं था। हम सुनते थे मिग क्रैश कर गया। अरे भाई, 1962 का खरीदा हुआ एरोप्लेन कब तक साथ देता तुम्हारा? 1965 और 70 का खरीदा हुआ प्लेन तुम्हारा कब तक साथ देता? ये रफेल का बेड़ा अगर कोई लेके आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए। अगर देश में बना हुआ पनडुब्बी का कोई जहाज बना तो वो भारत देश में मोदी जी के नेतृत्व में बना। अगर देश में लड़ाकू जहाज बने तो वो भी मोदी जी के नेतृत्व में बने। इसलिए सर्वांगीण विकास का काम, जिसमें हमारे युवा, हमारे नौजवान खिलाड़ी भी आते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। आप में से लोग आने वाले समय में ओलंपिक का गोल्ड मेडल हाथ में लेकर के आओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं।
मित्रों, जब मैं अच्छी अच्छी बातें आपसे कर रहा हूं तो एक दुख भरी बात भी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। कल आप लोगों ने संसद में देखा होगा, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया उन्होंने, जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं संसद के प्रांगण में, उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए और वो उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती, वैसे ओबीसी का राग लापते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तोहिन की जाती है, आज उसका मजाक किया जाता है। बोलिए, भारत सहेगा ऐसे लोगों को? बोलिए, सहेगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? ये हालत हो गई है कांग्रेस की। आजकल कैमरामैन का काम संभाल लिया है कैमरामैन। मुझे गोरखपुर में हमारे सांसद रवि किशन जी मिले, वो कह रहे थे कि हमारे भोजपुरी स्टूडियो में भी कैमरामैन की जगह खाली है, अगर एग्जामिनेशन दे तो हम विचार कर सकते हैं ऐसे कैमरामैन के। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। आप बताइए, इसकी निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए, निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मित्रों, यह एक तरफ क्या कहते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और मोदी जी क्या कहते हैं, देश आगे बढ़ाओ, देश आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ, इसके लिए काम करो। इसलिए मित्रों, मोदी हटाने वालों को 2024 में तुमने हटा देना और देश के विकास करने वाले मोदी जी को आगे बढ़ा देना, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।